रुक करते हैं अब विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर के गांधी चौक पर उस समय भारी भीड़ जमा हो गई जब एक दोपहिया वाहन चालक वन वे का उल्लंघन करते हुए आया और यातायात कर्मी के रोकने पर उसे धौंस जमाने लगा। आपको बता दें कि हमीरपुर बाजार में वन वे का उल्लंघन करते एक स्कूटी सवार ऊपर की ओर गांधी चौक पर पहुंच गया और वहां मौजूद यातायात कर्मी को रोकने पर उसे रोब दिखाने लगा। ऐसा देखकर बाजार में राहगीर इकट्ठे हो गए। बाद में यातायात पुलिस कर्मी ने उसके स्कूटी सवार से कागज नहीं मिलने पर उस स्कूटी को जब्त किया और चालान भी काटा। हमीरपुर के गांधी चौक पर उस समय भीड़ जमा हो गई जब एक दोपहिया वाहन चालक वन वे का उल्लंघन करते हुए आया और यातायात कर्मी के रोकने पर अपनी धौंस जमाने लगा। हुआ यूं कि हमीरपुर बाजार में वन वे का उल्लंघन करते हुए एक स्कूटी सवार ऊपर गांधी चौक तक पहुंच गया और वहां पर मौजूद यातायात कर्मी को रोकने पर अपना रोब झाड़ने लगा। ऐसा देखकर बाजार में जा रहे राहगीर भी इकट्ठे हो गए। बाद में यातायात पुलिस ने स्कूटी सवार के पास कागजात नहीं मिलने पर स्कूटी के जब्त किया और चालान भी काटा। मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार की घरवाली पुलिस विभाग में ही तैनात है और खुद स्कूटी सवार आर्मी में सेवाएं दे रहा है। किसी काम से बाजार आने पर स्कूटी सवार ने पुलिस कर्मी के रोकने पर अपनी घरवाली के पुलिस में होने की धौंस दिखाई, लेकिन यातायात कर्मी ने भी तुरंत अपने कंट्रोल रूम में फोन किया, जिस पर यातायात इंचार्ज SI पाल सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्कूटी सवार का चालान किया। यातायात पुलिस कर्मी के बॉडी वैन कैमरे में स्कूटी सवार की बदतमीजी और धौंस जताने की भी सारी वारदात रिकॉर्ड हुई है। पाल सिंह ने बताया कि स्कूटी सवार के द्वारा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से बदतमीजी किए जाने और धौंस दिखाई है। उन्होंने बताया कि स्कूटी सवार का चालान काटा गया है।